आजाद भारत में ऐसा पहली बार होगा जब किसी महिला को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल में बंद शबनम को फांसी की सजा सुनाई गई है। शबनम की फांसी की तारीख तय होना बाकी है। तारीख मिलने के बाद शबनम को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। शबनम को फांसी होने से पहले हम आपको फांसी से संबंधित एक ऐसा नियम बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी को पता होगा। किसी भी दोषी को फांसी देने से पहले एक ट्रायल किया जाता है। मुजरिम को फांसी पर लटकाने से पहले जल्लाद फांसी के फंदे पर दोषी के वजन का एक पुतला लटकाकर ट्रायल करता है। ट्रायल होने के बाद ही फांसी की रस्सी का ऑर्डर दिया जाता है। दोषी को फांसी देने से 15 दिन पहले उसके परिजनों को सूचना दी जाती है ताकि आखिरी बार उससे मेल मिलाप किया जा सके। दोषी को जब फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है तब जल्लाद दोषी के कान में एक ऐसी बात बोलता है। जल्लाद दोषी के कान में कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, कानून के हाथों का मजबूर हूँ। दोषी अगर हिंदू होता है तो जल्लाद उससे राम राम बोलता है, अगर दोषी मुस्लिम होता है तो उसे आखिरी दफ़ा सलाम बोलता है। इतना कहने के बाद जल्लाद लीवर खींच देता है। दोषी को तब तक फांसी पर लटकाया जाता है जब तक दोषी की मौत ना हो जाए। इसके बाद डॉक्टर दोषी की नब्ज टटोलकर उसकी मौत की पुष्टि करते हैं। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोषी के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया जाता है।